एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव ये सफल जीवन क्या होता है? गुरु शिष्य को पतंग उड़ाने ले गए। शिष्य गुरु को ध्यान से पतंग उड़ाते देख रहा था। थोड़ी देर बाद शिष्य बोला, गुरुदेव ये धागे की वजह से पतंग अपनी आज़ादी से और ऊपर की ओर नहीं जा पा रही है, क्या हम इसे तोड़ दें? ये और ऊपर चली जाएगी। गुरु ने धागा तोड़ दिया, पतंग थोड़ा सा और ऊपर गई और उसके बाद लहराकर नीचे आई और दूर अनजान जगह पर जाकर गिर गई। तब गुरु ने शिष्य को जीवन का दर्शन समझाया, बेटे जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीज़ें जिनसे हम बंधे हुए हैं वे हमें और ऊपर जाने से रोक रही हैं, जैसे घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज, और हम उनसे आज़ाद होना चाहते हैं। वास्तव में यही वो धागे हैं जो हमें उस ऊंचाई पर बना के रखते हैं। इन धागों के बिना हम एक बार तो ऊपर जाएंगे, परंतु बाद में हमारा वो ही हश्र होगा जो बिन धागे की पतंग का हुआ। अतः जीवन में यदि तुम ऊंचाइयों पर बने रहना चाहते हो, कभी भी इन धागों से रिश्ता मत तोड़ना। धागे और पतंग जैसे जुड़ाव के सफल संतुलन से मिली हुई ऊंचाई को ही सफल जीवन कहते हैं। घर पर ही रहकर अपना और अपने का ध्यान रखें। सभी का जीवन मंगलमय हो।